हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपनी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी दिन से पेंडिंग थी। पिछले के एक वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया, को थोड़ा कम में पड़ गया क्योंकि अगर आप देखने जाओ ना, अगर ये बिना AMC और बिना डिस्काउंट के अगर मेरे को कैलकुलेट करूँ तो लगभग मेरा 8,000 के करीब जा रहा था। तो लगभग लगभग 1,500 से 2,000 रुपये मेरा बच गए, तो एक बात है। और AMC आप ज़रूर कराओ भाई, क्योंकि AMC से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा पड़ेगा यार, क्योंकि आप सर्विस भी नॉर्मल सर्विस भी कराओगे तो आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिलेगा। और KTM में AMC का मतलब ये नहीं कि आपको क्या जो नॉर्मल सर्विस का है वो लेबर कॉस्ट आपको वेव ऑफ हो जाएगा, जैसे बाकी सब कंपनी में होता है, जैसे यामाहा होंडा में। KTM के साथ ऐसा नहीं, KTM खाली डिस्काउंट देती है एक पार्ट्स पे और एक लेबर कॉस्ट पे। वो सर्विस में इसको क्लीन वीन कराया हूँ अंदर के थ्रॉटल बॉडी और फ्यूल इंजेक्टर, जिसकी वजह से क्या इनपुट अच्छा होगा तो आपको आउटपुट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो उससे पावर आउटपुट और थोड़ी ब्रूटल हो गई है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि 390 का जो कंबशन है वो बहुत हाई होता है। KTM की कोई भी गाड़ी में कंबशन जो हाई रहता है 125 cc छोड़ के, भले ही 125 cc में भी उन्होंने मैक्सड आउट पावर दिया लेकिन मैं उसको काउंट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इनमें जो है ना, आप नॉर्मल पेट्रोल भराओगे ना, मैंने एक दो बार नॉर्मल पेट्रोल इसमें भराया था, तो उससे ना मेरे को बहुत स्टॉलिंग प्रॉब्लम हो गई थी, गाड़ी बहुत अटक अटक के चल रही थी। और कम गियर्स में भी है ना, कम गियर और कम RPM में तो चलती ही नहीं थी जैसे कि पावर पेट्रोल में चलती है। तो और वो पावर आउटपुट भी नहीं मिल रहा था मेरे को, एक जो जर्क देती है ना 390, वो नहीं मिल रहा था। तो जैसे मैंने हाई ऑक्टेन फ्यूल इसमें डालता हूँ तो अलग ही भाई शूट देती है। और ऊपर से तो प्रॉपर अंदर से क्या, अंदर और बाहर दोनों से बहुत ही प्रॉपर क्या बोलते हैं, क्लीनड अप है, प्रॉपर मेंटेन्ड है 390। और जब भी मैं निकलता हूँ ना भाई, क्या रोड प्रेजेंस रहती है अपने सिम्बा की, रोड प्रेजेंस तो बहुत ही तगड़ी रहती है। क्योंकि क्या, जब कोई भी आपके पास है ना, कोई भी बाइक हो, आप उसको क्लीन रखोगे ना, खाली क्लीन और मेंटेन रखोगे ना, तो कोई भी एक ना एक बंदा तो आपको मुड़ के पूछेगा ही पूछेगा। और ये सब बाइक के साथ थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि, और है ना, मेंटेन करने के लिए एक टिप मैं आपको दे देता हूँ कि है ना, गाड़ी को ना कभी भी अगर यूज़ नहीं रहेगा, खड़ी रखते हो ना, तो उसको थोड़ा है ना कवर रखा करो, क्योंकि जितनी गाड़ी डस्टी होगी ना उतना आपको खर्चा देगी। एक ये हो गया,
तो मैंने बता दिया क्या क्या खर्चा हुआ क्या नहीं। एक छोटी वीडियो भी मैं अटैच कर देता हूँ कि कैसा काम हुआ था सर्विस सेंटर में। वहाँ उनको रिकॉर्ड करने मिला नहीं था, क्योंकि मतलब परमिशन मिल गई थी लेकिन अपना गोप्रो ने अपन को धोखा दे दिया था। ये शीशे देख रहे हो भाई कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं। 390 में इतना वाइब्रेशन चलता है यार, इतना नहीं रहेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या चीज़ चला रहे हो। चलिए अभी राइड करके बताते हैं आपको। देखो जो मैंने सस्पेंशन का काम करा ना, उसके बाद तो नो डाउट हैंडलिंग बहुत ही प्यारी हो गई है गाड़ी की, कि मैं इसको ऐसा करूँ ऐसा करूँ ऐसा करूँ, बहुत ही अच्छी हो गई है। लेकिन क्या है, अगर मैं ज़्यादा इसको लीन कर दूँगा ना तो फिर मेरे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं उतना ज़्यादा कर भी नहीं रहा हूँ। और देखो ट्रैफिक मैनेवरेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो गई, लेकिन मैं इसको सिटी में ज़्यादा चलाता नहीं हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, इसने मेरा एक महीने में कम से कम अगर मैं अंदाज़ा भी लगाऊँ तो 3.5 to 4K का इसने मेरा खाली पेट्रोल का खर्चा गया है। ओनली पेट्रोल, मेंटेनेंस अलग बात हो गई, ओनली पेट्रोल का इसमें खर्चा गया है। तो चलिए एक लॉन्च करते हैं, देखना व्हील स्पिन कैसा करेगी। हाँ देखा, फर्स्ट गियर में जितनी बार भी लॉन्च करूँ ना व्हील स्पिन करेगी ही करेगी ये। चाहे आप मतलब अगर आप अच्छा टायर लगा लो, जैसे अगर मेडजिलर्स इसमें पड़ा होता, या फिर अपना अगर आप पिरेली लगा लो या कोई और लगा लो, तो उससे क्या होएगा, व्हील स्पिन जो है कम हो जाएगा। मैंने ऐसे ये क्या बोलते हैं, अपने सर्विस सेंटर में भी एक बार पूछा था कि इसका व्हील स्पिन का क्या सीन है, तो उन्होंने बोला यार 390 है, 390 के साथ होएगा ही होएगा, क्योंकि कितना भी अच्छा टायर लगा लो हल्का फुल्का तो व्हील स्पिन करेगी ही है। तो ये इशू नहीं है कि व्हील स्पिन करेगी, लेकिन ये इशू है कि व्हील स्पिन बहुत ज़्यादा है MRF के टायर्स में। तो अभी देखेंगे आगे, अगर अपना कहीं बजट बनता है तो अपग्रेड करेंगे अपन टायर्स। और मैंने सोच भी रखा हो कि कौन सा टायर डालना है इसमें, तो अपन ज़रूर करेंगे। तो ये था इस वीडियो में कुछ बताने के लिए, आपको अपडेट देने के लिए। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ सेफ डे, हैव अ सेफ राइड, बाय बाय।